जब मुझे पता चला कि रणधीर जी मेरे हस्बैंड का किरदार कर रहे हैं तो इमीडिएटली मन में आया कि शूटिंग करते वक्त कितना मजा आएगा, क्योंकि उनके साथ जब मैंने पहले काम किया है और वैसे भी जब काम नहीं करते हुए भी जब मिलते हैं, आपने आज भी देखा उनका नेचर ऐसा है कि जहाँ भी बैठते हैं हंसाते रहते हैं, हमको खूब मजाक करते हैं और एक सिंपल सी बात को भी ऐसे बोलते हैं कि हम सब हंसते रहते हैं। तो उनका कैरेक्टर थोड़ा सा हैंडपैक्ड है इस फिल्म में, तो मैं थोड़ा सा डोमिनेटिंग वाइफ का रोल दिया है प्रभु सर ने मुझे और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि इज दिस मी, ये जो कैरेक्टर मुझसे करा रहे हैं। बट आई थिंक क्योंकि ऐसी मदर है, बहुत बिगाड़ती है बच्चे को, इसी वजह से बच्चा इतना बिगड़ जाता है। शी इज़ वेरी वेल्दी एंड वेरी आई थिंक एफ्लुएंट एंड डोमिनेटिंग है पूरी फैमिली में, और वही कैरेक्टर बाद में जैसे आई मीन बेटे के रोमांस में अड़चन बनती है। बट आई वुड से कि प्रभु सर के साथ मैंने बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किया, पर इनके साथ जो काम में मैंने बारीकियाँ देखी, जो नुआंसेस देखे, आई थिंक एज एन एक्टर गिरीश इज़ वेरी लकी कि उनको एक ऐसे डायरेक्टर मिले जो उनकी पहली पिक्चर डायरेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज आई नो आप किसी एक्टर को एक सीन दे दो और बोलो ऐसा करे, उसके बाद उसको समझाना कि उसमें कैसे आप बारीकियाँ ला सकते हैं कैरेक्टर्स में, आई थिंक दैट इज़ प्रभु सर फोर्टे। मैं उनके सामने भी नहीं बोली कभी, बट मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ वर्किंग विद हिम वॉज अ स्पेशल लर्निंग एक्सपीरियंस।